हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं क्या है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालें, और गड़बड़ हो ही जाती है बच्चों से क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं समझते, रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ध्यान से समझना किस तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अच्छे से देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हमें फंक्शन गिवन क्या है। हमें गिवन है साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाय टू। ठीक है, हमने ये देखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर कि साइन एक्स जो है हमारा किस किस वैल्यू पे हमें रूट थ्री बाय टू वैल्यू देगा, वो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके देनी है, बस ये काम होता है हमारा। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखो साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाय टू है। अब आपको ट्राइगोनोमेट्रिक की टेबल याद है, वैल्यू याद होंगी आपको, कितने पे हमारा रूट थ्री बाय टू होता है साइन पे, साइन पाई बाय थ्री पे। तो इसको मैं साइन पाई बाय थ्री लिख सकता हूं, तो क्या लिख देंगे यहां पे बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन से हमारा साइन कैंसिल आउट हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय थ्री। एक तो वैल्यू ये आ गई मेरे पास, पाई बाय थ्री पे हमारा क्या होगा, साइन जो है रूट थ्री बाय टू वैल्यू देगा। अब एक और वैल्यू निकालनी होती है हमें, वो कैसे निकलती है, उसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बस ध्यान से देखते जाओ कैसे करना है। ये क्या होता है हमारा जीरो डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, मतलब इसको लिखते हैं पाई बाय टू। ये हमारा क्या होता है हमारा पाई, ये क्या होता है थ्री पाई बाय टू, और इसको दोबारा हम घूम के आते हैं तो इसको हम टू पाई भी बोल देते हैं। ये चीजें आपको पता है। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी आपको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी है, तो हमने देखना है कि साइन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में देगा। एक तो फर्स्ट में देगा, फर्स्ट में तो सभी देते हैं, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में भी साइन हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। बस दो हमारे क्वाड्रेंट मिल गए, अब काम हो गया खत्म। एक वैल्यू तो आ गई बच्चों हमारी पाई बाय थ्री, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, इसमें, ये मान लो ये हो गया पाई बाय थ्री। अब एक वैल्यू लाई करेगी हमारी इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, ये कौन सा एंगल है हमारा पाई, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस, पाई में से कुछ घटाएंगे और क्या घटाएंगे, ये जो एंगल की वैल्यू थी वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे देखो क्या बन गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, एलसीएम लेंगे तो थ्री पाई में से पाई गया तो हमारा कितना आएगा टू पाई बाय थ्री, तो 2 पाई बाय 3 पे भी हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रूट थ्री बाय टू होगी। तो यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, एक तो पाई बाय 3 बन गया हमारा, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन गया 2 पाई बाय 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि सर आपने पाई में से सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, पाई बाय टू में हम इसको ऐड करके भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हो, आपका क्वेश्चन अगर ये ऐसा माइंड में आया है तो डेफिनेटली आपने अच्छा सोचा है, बट अभी मैं रीजन बता देता हूं। देखो पाई बाय टू प्लस पाई बाय थ्री करेंगे बच्चों, यहां पे मान लो पाई बाय टू प्लस पाई बाय थ्री, और पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू पे क्या होते हैं हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो साइन तो रहेगा नहीं हमारा, यहां साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, इसलिए हम इन वैल्यूज में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट किस पे करेंगे हम, पाई या टू पाई में। अब आ गया समझ में रीजन, कोई अगर अच्छा कंसेप्ट यहां पे सीखने को मिला ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस यही एक सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा शेयर कीजिए चैनल को, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।